आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर के कार्यालय में हमारी एक कार्यशाला आयोजित हुई है, जिसे हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी ने संपन्न कराई। आज हमारा विषय था कि हम स्वयं सहायता समूह और एनजीओ को निचले स्तर पर जाकर के उनसे मिलना, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनके दिनचर्या से सम्मिलित होना, उनका सम्मान करना, उनका मान सम्मान करना। जो करोड़ों महिलाओं की, लगभग राजस्थान में 2 करोड़ महिलाएं लगभग इस स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से कार्य कर रही हैं। 25 करोड़ महिलाएं लगभग पूरे देश के अंदर काम कर रही हैं। इसके ऊपर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के अभी तक 2024 तक, पहले ये संख्या 2 करोड़ लोगों की थी, लगभग आज की तारीख में 9 करोड़ लोगों को एनजीओ और स्वयं सहायता समूह स्थापित हो चुके हैं। इस पर कार्यशाला आयोजित की गई है, हमें किस प्रकार से जुड़ना है, उनसे किस प्रकार से नेटवर्क स्थापित करना है और उनको अपना कैसे बना कर सकते हैं और उनके साथ हम संबल प्रदान करें, उनके साथ जीवन में, जीवन पद्धति में खड़े रहें, इस प्रकार की कार्यशाला करी है। आज ये जिले की कार्यशाला थी, इसके बाद हमारे 13 मंडल हैं, 13 मंडलों में इसकी कार्यशाला आयोजित होगी, उसके बाद हमारे जिले स्तर पर सम्मानित कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम इसका एक संभाग स्तरीय बड़ा कार्यक्रम होगा। हम चाहते हैं कि वो कार्यक्रम शायद हमें अजमेर में मिले और इस कार्यक्रम को हम करने में सफल होंगे। इस प्रकार की कार्यशाला आज आयोजित की गई। हमारे कार्यशाला में जिलाध्यक्ष रमेश जी, भारती जी, रमा चोपड़ा जी, विनीता जेमन जी, महापौर अजमेर नगर निगम भरतलता जी, लगभग पार्टी के सभी, वेद प्रकाश दादी, सभी लोग उपस्थित थे और सब महिलाओं ने पूरे जोश खरोश से इस कार्यशाला में अपने भाग लिए। हमारी लगभग, हमने केवल इसके अंदर जो महिलाओं को 3 विधानसभा है, अजमेर उत्तर, दक्षिण और किशनगढ़ की महिलाओं को आज हमने शामिल किया, लगभग 75 महिलाओं को हमने आज शामिल करने के लिए बुलाया था, जो सब उपस्थित थे। आज अजमेर जिले शहर की कार्यशाला है, जो शक्ति वंदन है हमारी, उसी के तहत हमारी कार्यशाला रखी गई है। आदरणीय मोदी जी की अनेकों योजनाएं हैं, वो धरातल पर नहीं उतर पा रही थी, उन योजनाओं को लेकर महिलाओं को कैसे लाभ मिले, स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे लखपति दीदी बने, उसके माध्यम से हमने कार्यशाला जिले लेवल की रखी है। उस जिले के बाद में हमारी मंडल तक जाएगी, मंडल तक जाकर उनके योजनाओं का, जिनको लाभ नहीं मिल रहा, उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाएंगे, साथ में उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करेंगे, क्या कैसे आप अपना व्यवसाय खोल सकती हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव तो ये प्रक्रिया है कि लोकसभा चुनाव होने, हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे सशक्त बने, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ नीचे तक हमारी ये कार्यशाला लेके जा रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर ना, सशक्त बनाना है। ये नारी शक्ति जो बंधन कार्यशाला जो है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो हमारे जितने भी एनजीओज हैं, समूह हैं, इन सबको एक स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीचे स्तर तक जाकर इनसे संपर्क करना और इनके समूह को सहयोग करना, इस तरह की महिला को सशक्त बनाने के लिए जो कार्य किया है, उस विषय को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यशाला रखी है। इस कार्यशाला को हम राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से और मंडल तक और ये आगे नीचे तक ले जाएंगे और जो समूह कार्य कर रहा है उनका भी सम्मान करना, उनके साथ में कार्य करना, ये सब आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत बेला के उसमें हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार से आगे मंडल की कार्यशाला होगी, ऐसे करते करते पूरे नीचे स्तर तक हम लोग इस कार्यशाला को करेंगे।